ये बताती हूँ इसको करने का तरीका, क्योंकि ये तरीका हमें नॉर्मल जो हम लोग करते हैं वैसा नहीं करना है हमें। इसके अगर इवन अगर जो हमारी ट्यूब्स भी ब्लॉक्स है ना, तो वो ब्लॉकेज भी इससे खुलता है। मंथ में मैं 100% बोल रही हूँ आप लोगों को कंसीव हो जाएगा, पक्की बात है ये बिल्कुल। और फर्स्ट बेबी के लिए मैंने भी यही किया था, मैं इसलिए बोल रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है प्रेगनेंसी कैसे कंसीव करें 15 मिनट में। 15 मिनट में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमें जल्द से जल्द विद इन मंथ, मे बी 2 मंथ 3 मंथ में हमें कंसीव हो जाए। तो मैं ये अपना ये उस बेसिस पे बोलूँगी जो मैंने खुद का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ये तो मैंने खुद से भी इसे एक्सपीरियंस किया है और मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिला था। तो इसी के लिए मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करने जा रही हूँ आज कि 15 मिनट में हम ऐसा क्या करें कि हमें जल्द से जल्द हमारा जो मदर बनने का ड्रीम है वो पूरा हो सके, हमारी फैमिली के लिए जो हमने ड्रीम सोचा है देखा है वो कंप्लीट हम लोग कर सकें। ओके दोस्तों, हम लोग कंसीव करने के लिए कई सारे ऑब्वियस सी बातें हम बहुत ट्रीटमेंट लेते हैं। जिन्हें कंसीव नहीं हो पाता है बिल्कुल, बहुत लंबा टाइम हो जाता है, तो वो तो बहुत अच्छे खासे ट्रीटमेंट उन लोगों के चलते हैं, लंबा टाइम चलता है, बहुत कॉस्टली भी होते हैं। गायने वाले ट्रीटमेंट जो होते हैं बहुत महंगे भी होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट लोग करवाते हैं जिसका बजट है या नहीं है, बट करवाते हैं क्योंकि बेबी सबको चाहिए, फैमिली सबको चाहिए, बच्चे सबको प्यारे होते हैं, सबको मम्मी बनना होता है। तो दोस्तों मैं एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक टिप है ये आप लोगों के लिए, अगर आप लोग करेंगे तो 110% आप लोगों को फ़ायदा तो होना ही होना है, नुकसान तो कहीं से कहीं तक नहीं होगा, फ़ायदा ही मिलेगा। मुझे इससे बहुत फ़ायदा मिला था, यूट्रस से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ये। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना है योगा। योगा आप लोग करो। योगा में भी आपको क्या योगा करना है, आप लोगों जो लोग ट्राई कर रहे हैं बेबी के लिए और जो हॉस्पिटल के चक्कर मार रहे हैं, तो उन्होंने तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें सर्च कर ली होंगी ऑलरेडी कि कैसे कंसीव करें, कैसे अपनी जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप लोग देखते रहते होंगे। मुझे पता है, समझ में आता है, क्योंकि जब दिक्कतें होती हैं तो इंसान देखता ही है, सुनता ही है हर जगह से, जहाँ से ऐसा लगता है कि कहीं से मिल जाए एक पॉजिटिव न्यूज़ जिससे कि हम जल्द से जल्दी कंसीव कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी देख रहे हैं तो आप लोग एक चीज़ करना, 15 मिनट के लिए आप लोग योगा करना। योगा में आप लोग करना कपाल भाती योगा। बाबा रामदेव जी ने पूरे देश पूरी दुनिया को ये चीज़ सिखा दिया है, समझा दिया है। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ इस योगा के बारे में, कपाल भाती योगा के बारे में, यूट्रस से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी समस्या का सोल्यूशन इससे हो जाता है, इस योगा से। एक सिंगल ऐसा इतना अच्छा इतना इफेक्टिव योगा है हम लेडीज़ के लिए। अगर हम लोग अब ठीक है, अगर टाइम थोड़ा बहुत टाइम निकालो, क्योंकि अभी हॉस्पिटल के चक्कर मारने के लिए भी तो पूरा टाइम लगता ही है हमें, तो एक बार इसको भी आप लोग करके देखना, मतलब रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगर इवन अगर जो हमारी ट्यूब्स भी ब्लॉक्स है ना, तो वो ब्लॉकेज भी इससे खुलता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो स्वेलिंग, इन्फेक्शन, फाइब्रॉयड, ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम्स हो गई। मैंने बोला ना, अगर फैलोपियन ट्यूब्स भी ब्लॉक्स हैं तो उस चीज़ के लिए भी ये सोल्यूशन है कपालभाति योगा। तो मैं आप लोगों को ये बताती हूँ इसको करने का तरीका, क्योंकि ये तरीका हमें नॉर्मल जो हम लोग करते हैं वैसा नहीं करना है हमें। इसके लिए अपनी अपनी जो कंसीविंग के लिए जो हमें करना है, वो हमारा जो तरीका है वो ये रहेगा कि हमको टाइमर में टाइम सेट करना है, टाइमर लगाना है, टाइम सेट करना है, और हमें सेकंड की सुई के साथ करना है। कैसे करना है? सेकंड की सुई के साथ, सेकंड के साथ हमें करना है 15 मिनट तक करना है। समझ रहे हैं आप लोग? सेकंड के साथ करना है, सेकंड की सुई के साथ करना है, 15 मिनट तक हमको करना है। आप लोग अगर चलो जो लोग नहीं करते हैं, कुछ लोग तो करते होंगे, जो करते हैं जिन्हें प्रैक्टिस है उनके लिए ठीक है, जिन्हें प्रैक्टिस नहीं है उन्हें शुरुआत में 15 मिनट करना थोड़ा टफ पड़ सकता है, क्योंकि बैक पेन हो जाता है अगर आदत नहीं है तो आपकी। तो थोड़ा सा अच्छे से बाबा जी की वीडियोज़ देख लीजिएगा कि किस तरह से किया जाए, कैसा कैसा पॉस्चर बना के हमें बैठना है। अगर जैसे बैक पेन वगैरह होता है तो हो जाता है, ऑब्वियसली बात है, अगर आप नहीं किया होगा, अगर नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर हो रहा है तो आप शुरू में 5 मिनट के लिए करो, फिर 10 मिनट के लिए करो, और कोशिश करो कि जल्द से जल्द आप लोग अपना जो स्टेमिना है वो 15 मिनट का बना पाओ योगा करने का। कपालभाति योगा 15 मिनट, सेकंड की सुई के साथ करना है। तो ये 900 टाइम्स हो जाता है, 1 मिनट में 60 बार हो जाएगा, और हमें करना है 15 मिनट तक। तो ये हो जाएगा 900 टाइम्स।
तो 900 टाइम्स तक हमें करना है कपालभाति योग। आपको टाइम ऑब्वियस उसमें समझ में आ जाता है सारा कुछ कि हमें इतने इतना काउंट है इसका, 900 टाइम्स का काउंट है इसका। आप तो 1 और 2 और 3 मंथ में, मैं 100% बोल रही हूँ, आप लोगों को कंसीव हो जाएगा, पक्की बात है ये बिल्कुल। और फर्स्ट बेबी के लिए मैंने भी यही किया था, मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो 2 महीने से ऊपर हुआ था तो मेरे को फर्स्ट बेबी कंसीव हो गई थी, सिर्फ योगा, सिर्फ योगा, कोई नथिंग, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो सीधा कंसल्ट किया और मुझे एक बहुत अच्छे एडवाइज़र मिल गए, उन्होंने मुझे सीधे एडवाइस कर दिया और मैंने सीधे इम्प्लीमेंट किया, मतलब खुद पे अप्लाई किया और योगा किया। और 2 से 3 महीने में इसको आप लोगों ने शुरू कर लिया, इस योगा को करना। फिर तो खैर मेरे को सी सेक्शन हुआ, तो सी सेक्शन के बाद तो 6 मंथ तक वैसे भी नहीं करते, उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया था। और अभी अभी फ़िलहाल अभी मैंने करना शुरू नहीं किया है क्योंकि बहुत हैक्टिक हो जाता है मॉर्निंग का जो शेड्यूल रहता है। तो अब धीरे धीरे फिर से इन प्रोसेस आऊँगी और करना शुरू करूँगी योगा वगैरह, एक्सरसाइज, अभी डाइटिंग कुछ नहीं की हुई है, अभी सिर्फ अभी तो कुछ नहीं किया हुआ है। बट आप लोगों को मैं बोलूँगी, अगर आप लोग भी बहुत परेशान हैं और ढूंढ रहे हैं इधर उधर एक सोल्यूशन, तो ये बहुत अच्छा, सस्ता और जीवनदायक सोल्यूशन, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। तो 15 मिनट आप लोग दो और आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मैं तो प्रे करूँगी भगवान कोई भी ना रहे ऐसा जिसे, जो मदर बनना चाहे और उसका सपना पूरा ना हो, सबका होना चाहिए। बहुत अच्छा, बेस्ट जर्नी रहती है लाइफ की, बेस्ट जर्नी जब बच्चे छोटे से होते हैं अपने साथ, तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसी एक अच्छी दिल से ये टिप्स दे रही हूँ आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ सारी विशेज आपकी की पूरी होनी चाहिए, सब हों। तो दोस्तों इसके साथ ये वाले वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टेक केयर, एंड अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।